नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। खूबसूरत, बोल्ड, गॉर्जियस, ये तीन चीजें इस एक्ट्रेस को बखूबी डिफाइन करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टीवी की एक्ट्रेस नैना सिंह की। सभी जानते हैं कि नैना का नाम भी बिग बॉस 14 के कंटेस्टेंट्स की लिस्ट में है। नैना हमेशा से ही अपने मुंहफट अंदाज के लिए जानी जाती, जहां पिछले साल वो बिग बॉस 13 में सिद्धार्थ शुक्ला को फुल सपोर्ट करती नजर आई थी, वहीं अब उन्हें जनता का सपोर्ट चाहिए होगा। तो चलिए नैना सिंह की जर्नी से आपको रूबरू करवाते हैं। नैना सिंह का जन्म 6 मार्च 1995 में नैनीताल उत्तराखंड में हुआ था। उनके पिता का नाम कपिल कुमार और मां का नाम शक्ति बहल है। उन्होंने डॉन बॉस्को पब्लिक स्कूल नैनीताल से ही पढ़ाई की। नैना ने 2013 में फेमिनाज मोस्ट स्टाइलिश दीवा का खिताब अपने नाम किया था। 2017 में एमटीवी के मोस्ट पॉपुलर शो स्प्लिट्सविला 10 में नैना नजर आई थी। इस दौरान उनके बेबाक अंदाज का हर कोई दीवाना हो गया था। उनका कनेक्शन रोडीज के जाने माने कंटेस्टेंट बसीर अली के साथ हुआ था। दोनों ने अपनी मेहनत से स्प्लिट्सविला का खिताब अपने नाम किया था। इसके बाद नैना 2018 में स्टार प्लस के शो इंडियाज नेक्स्ट सुपरस्टार में भी नजर आई थी, जहां वो फाइनलिस्ट रही थी। रियलिटी शोज में पैर जमाने के बाद नैना को 2019 में जी टीवी के पॉपुलर शो कुमकुम भाग्य में एंट्री ली। नैना शो में अभी और प्रज्ञा की बेटी रिया का किरदार निभा रही थी, लेकिन उन्होंने हाल ही में ये शो छोड़ दिया था। ऐसी खबरें आई थी कि नैना अपने कैरेक्टर से खुश नहीं थी, जिस वजह से उन्होंने इस शो से किनारा कर लिया। वहीं आपको बता दें, नैना ने एमटीवी पर बॉक्स क्रिकेट लीग सीजन 4 में भी पार्ट लिया था। वहीं वो एक गाने सनडाउनर में भी नजर आई। उनकी पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो नैना और बसीर अली एमटीवी स्प्लिट्सविला के दौरान मिले थे। दोनों की मजबूत केमिस्ट्री लोगों को काफी पसंद आई थी। शो के बाद लोगों को लगा था कि ये जोड़ी टूट जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। नैना का कहना था कि बसीर अली उनके बहुत करीब हैं और कोई भी उसे बदल नहीं सकता। आपको बता दें, नैना के फेवरेट एक्टर शाहरुख खान और जॉनी डेप हैं। उन्हें अपने दोस्तों के साथ पार्टी करना बहुत पसंद है और वो शॉपहॉलिक भी है। उन्हें फैशन की काफी नॉलेज है। आपको बता दें, ऐसी खबरें आ रही हैं कि शूटिंग शुरू होने से पहले सभी सितारों को मुंबई के एक होटल में आइसोलेट कर दिया जाएगा, जिसके बाद ही ये सितारे बिग बॉस 14 का हिस्सा बन पाएंगे। कोरोना वायरस आउटब्रेक की वजह से बिग बॉस 14 के सेट पर हर छोटे से छोटे नियम का सख्ती के साथ पालन किया जाएगा। वैसे देखा जाए तो कई ऐसे कंटेस्टेंट्स हैं जो स्प्लिट्सविला रोडीज जैसे शो से आकर बिग बॉस के विनर बने। ऐसे में अब नैना शो में आकर क्या धमाका करती है, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा।